अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप दोस्तों के साथ में बहुत अरसे के बाद जो है इस अपने यूट्यूब चैनल पे मैं कोई अपनी पर्सनल वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। एक छोटी सी वीडियो मैंने क्रिएट की थी जिसमें आप लोगों के साथ ईद मुबारक शेयर की थी। इसके अलावा दरअसल प्रॉब्लम यह है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता आजकल वीडियो क्रिएट करने का, व्लॉग बनाने का। हालांकि ईमानदारी की बात है कि मुझे व्लॉग्स बनाने का इतना ज़्यादा शौक़ है, इतना ज़्यादा शौक़ है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इनफैक्ट ये लाइफ है ना, तो लाइफ को गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा कि पैसे की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और पैसा कमाने के लिए फिर मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मैं सारा दिन आजकल बिज़ी होता हूँ, मसरूफ़ होता हूँ। उसका होलसेल का कारोबार किया हुआ है तो उधर सारा दिन जो है वो गाड़ी पे उसकी सप्लाई होलसेल पे करते हैं तो उधर बिज़ी होता हूँ सारा दिन। तो वहाँ पे भी ब्लॉग बनाने का कई बार सोचा है कि इधर सफ़र में तो होता ही हूँ तो यहीं पर ब्लॉग क्रिएट कर लिया करूँ। लेकिन यार असल बात यह है कि ब्लॉग्स बनाने के लिए प्रॉपर टाइम की ज़रूरत होती है, प्रॉपर टाइम होना चाहिए। होता मैं सारा दिन सफ़र में हूँ, वहाँ पे ब्लॉग क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कारोबार है तो कारोबार में से वक्त निकालना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आज ईद का तीसरा दिन है तो मैं यहाँ पे गांव में आया हुआ था, यहीं 353 चक में, साबोवाल में, जहाँ पे मैंने कई व्लॉग्स क्रिएट किए हुए हैं। सखावत भाई के साथ भी मैंने व्लॉग्स बनाए थे, काशिफ भाई के साथ भी मैंने व्लॉग्स बनाए थे। मौसम आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा रहने लग गया है। ईद से दो दिन पहले का मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार है। दो तीन दिन बीच में धूप रही है तो क्रिकेट भी हमने खूब इंजॉय की है, क्रिकेट खेली है। आज ईद का तीसरा दिन है, आज भी सुबह फर्स्ट टाइम हम क्रिकेट खेलने के लिए ही गए हुए थे तो वहीं से अब गांव में आए हैं घूमने फिरने के लिए। बिस्मा भी साथ ही है, बिस्मा दिखाता हूँ आपको, बिस्मा भी काफ़ी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। अहमद भी साथ है, ये अहमद है, ये इसको बस ये चीज़ें खाने से गरज होती है तो ये चीज़ें खा रहा है। और ये साथ भांजा है मेरा अबू बकर और ये बिस्मा जी। बिस्मा क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा कहाँ पे आई हुई हो आज? कहाँ आई हुई हो? नानी के घर आई हो? अच्छा ठीक है, खेल रही हो हैं, खूब इंजॉय कर रही हो। ईद पे गोश्त खाया था, चावल भी खाए, शाबाश, वेरी गुड। इधर कोई टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट का, उसकी वॉइस भी आ रही है, कमेंट्री हो रही है उसकी। ये मेरे मामू लोग यहाँ पे रहते हैं गांव में, काफ़ी खूबसूरत माहौल है यहाँ का। गांव का माहौल हमेशा ही खूबसूरत होता है, कुछ ज़्यादातर लोगों को इस तरह का ये माहौल जो है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये माहौल पसंद नहीं होता, क्योंकि पसंद हर किसी की अपनी अपनी होती है। इस वजह से ये मूंगी की फसल है, मामू लोगों ने यहाँ पे मूंगी की फसल लगाई हुई है। बहुत काफ़ी कॉस्टली ये होती है ये फसल। तो जब मुझे ब्लॉग क्रिएट करने का टाइम नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने बीच में म्यूज़िक की वीडियोस जो हैं वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दी, या चले मेरा चैनल जो है वो मुसलसल चलता रहे। तो सब्सक्राइबर्स मेरे जो हैं वो बहुत कम हैं और सब्सक्राइबर्स कम होने के साथ साथ व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा मेरा चैनल जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मुझे कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है, मैं इजीली और फ्रीली जो है वर्क करता हूँ। तो सॉन्ग्स मैंने काफ़ी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, तो जिन दोस्तों को सॉन्ग्स पसंद हैं तो एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है सॉन्ग्स की, तो वो सॉन्ग्स मेरे जाके वहाँ पर सुन सकते हैं। तो इसके अलावा कोशिश जारी रहेगी कि मैं किसी न किसी तरीके से जो है वो वक्त निकाल के व्लॉग्स बनाता रहूँ, क्योंकि एक वो एक रिश्ता बना हुआ था अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, वो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते थे। लेकिन एक बार फिर से मुझे जो है वो शुरू दिन से जो एक नए सिरे से स्टार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने वो सब्सक्राइबर मेरे साथ बंधे हुए थे जो मेरी वीडियोस को देखते थे, उनको अब मेरी कोई भी नया व्लॉग जो है वो देखने को नहीं मिलता। बहरहाल कोशिश हमेशा मैं करता रहता हूँ कि यार कोई ना कोई वीडियो जो है वो बनाता रहूँ, कोई ना कोई व्लॉग्स है वो बनाता रहूँ। तो आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, थोड़ा सा वक्त निकला तो मैंने आज भी एक छोटा सा व्लॉग जो है वो आपके साथ बना के शेयर कर दिया। तो बस आज की इस छोटे से व्लॉग में मैंने यही कुछ आपके साथ शेयर करना था।
तो आई होप कि आप लोग जो है वो मेरे इस छोटे से ब्लॉग को भी पसंद करेंगे। एक बार फिर ईद का तीसरा दिन है तो एक बार फिर मेरी तरफ़ से जो है आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। तो इंशाल्लाह मिलूंगा बहुत जल्द किसी और ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।